और चलिए वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल का। डोडा में 24 घंटे में दूसरा आतंकी हमला हुआ, सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरा, फायरिंग में जवान घायल। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 आतंकवादियों के स्केच को जारी किया, सूचना देने पर 5 लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा की गई। कठुआ मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादियों के कब्जे से भारतीय मुद्रा के साथ हथियार और गोला बारूद बरामद, पाकिस्तान में बने चॉकलेट और दवाइयां मिली। रियासी आतंकी हमले के पीड़ित परिवार से मुलाकात की रविंदर रैना ने, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए परिजनों ने मांगा शहीद का दर्जा। रियासी हमले पर श्रीनगर में बोले एलजी मनोज सिन्हा, जब तक जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से खत्म नहीं कर देते तब तक चैन से नहीं बैठने वाले। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल बोले, पाकिस्तान ना सुधर जाए नहीं तो इस मानसिकता को सुधारना भारत जानता है। जम्मू कश्मीर में हुआ आतंकवादी हमले पर गुस्से में हिंदू संगठन नवी मुंबई में बजरंग दल और वीएचपी ने विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में नागपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, आतंकवाद का पुतला फूंका गया। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले का अयोध्या में विरोध किया गया, हिंदू संतों ने किया प्रदर्शन, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पीएम मोदी ने मंत्रियों को निर्देश दिया, 1 महीने तक हो सके तो कहीं ना जाए, अपने मंत्रालय के कामकाज को समझें। एक बार फिर बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए पेमा खांडू, आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पेमा खांडू के साथ कैबिनेट के सहयोगी भी आज शपथ लेंगे, गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ईटानगर पहुंचे। पेमा खांडू ने बीजेपी नेतृत्व को किया धन्यवाद, कहा कि तीसरी बार अरुणाचल की जनता के आशीर्वाद से बन रही है हमारी सरकार। रविशंकर प्रसाद बोले, पेमा खांडू बैठक में चुने गए विधायक दल के नेता, राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। तरुण चुग ने अरुणाचल की जनता को प्रचंड बहुमत देने के लिए धन्यवाद दिया, कहा कि विधायक दल के नेता चुने गए हैं पेमा खांडू। लोकसभा चुनावों में हार की समीक्षा करेगा शिरोमणि अकाली दल, आज सुखबीर बादल ने बुलाई कोर कमेटी की बैठक। गहलोत सरकार ने बने 17 नए जिलों का रिव्यू करेगी भजनलाल सरकार, भजनलाल सरकार ने बनाई है सब कमेटी। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की आज बड़ी बैठक है, अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी समेत कई अधिकारी शामिल। पूर्व एमएलसी नारायण राव मुंडे कांग्रेस से 6 साल के लिए निलंबित किए गए, पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में सस्पेंड किए गए। महाराष्ट्र कांग्रेस का राज्य सचिव प्रशांत गावंडे पर एक्शन हुआ है, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 साल के लिए निलंबित किया गया। केरल कांग्रेस के अध्यक्ष सुधाकरण बोले, वायनाड सीट छोड़ सकते हैं राहुल गांधी, उदास होने की कोई जरूरत नहीं। वायनाड में बोले राहुल गांधी, मैं दुविधा में हूं, क्या चुनू रायबरेली या फिर वायनाड। राहुल गांधी ने वायनाड दौरे पर एक रेस्टोरेंट कर्मी से मुलाकात की है, बीच रास्ते में लंच करने के बाद धन्यवाद कहा। 400 पार पर वायनाड में बोले राहुल गांधी, 400 का नारा संविधान बदलने के लिए ही था, पहले 400 पर पार कहा फिर 300-200 तक आ गए। 400 पार वाले नारे पर सीएम शिंदे का बयान, कहा कि संविधान बदलने का फैलाया गया झूठ जिससे चुनाव में हुआ नुकसान। शिंदे के बयान के समर्थन में एनसीपी अजीत गुट भी बोली, 400 पार पर विपक्ष संविधान आरक्षण से जोड़ने में कामयाब रही। 400 पार वाले नारे पर संजय राउत का बयान, बीजेपी को शिंदे अजीत पवार की वजह से नुकसान हुआ, शिंदे पैसे पुलिस के दम पर 7 सीटें जीते हैं। राम कदम बोले, विपक्ष के भ्रम फैलाने से नहीं हो पाया 400 का वार, विपक्ष ने चुनाव में जनता को बरगलाया। कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र हुड्डा पर बोला हमला, कहा हरियाणा में स्वार्थ की राजनीति की, नहीं तो 10 सीटें कांग्रेस जीतती। पीएम मोदी और चंद्रबाबू के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री नजर आई, नायडू पांव छूने के लिए झुके तो पीएम ने उन्हें गले लगा लिया। उड़ीसा बीजेपी प्रमुख मनमोहन सामल बोले, 75 साल में पहली बार बीजेपी ने उड़ीसा में अकेले सरकार बनाई है, ये खुशी की बात है। उड़ीसा में बोली बीजेपी की सह प्रभारी लता उसेनी, बदलाव में महिलाओं की भूमिका अहम रही है और मोदी की गारंटी पर जनता ने विश्वास किया है। कोरोना के बाद पहली बार खुले भगवान जगन्नाथ के चारों द्वार, मोहन चरण मांझी सरकार का फैसला। कैबिनेट संग भगवान जगन्नाथ मंदिर पहुंचे सीएम मांझी, भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। राहुल गांधी के बयान पर राज्य मंत्री सुकांता मजुमदार का हमला, कहा अगले चुनाव में दोनों सीटों से हराएंगे। शपथ ग्रहण में पूर्व सीएम नवीन पटनायक से प्रधानमंत्री मोदी मिले, मंच पर काफी देर तक एक दूसरे से बातचीत हुई। आंध्र में शपथ ग्रहण के बाद सीएम चंद्रबाबू नायडू की बैठक, अमरावती में आवास पर मंत्रियों के साथ मंथन। योग दिवस पर श्रीनगर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है।
18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे पीएम, किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 24 जून से बुलाया जा सकता है संसद का विशेष सत्र, 24-25 जून को सांसदों का शपथ ग्रहण संभव। 26 जून को हो सकता है लोकसभा स्पीकर का चुनाव, टोटल 8 वर्किंग डे का हो सकता है विशेष सत्र। मुरादाबाद में बोले दानिश अली, ये जनादेश मोदी के खिलाफ आया, बैसाखियों पर चल रही सरकार कितने दिन चलेगी। अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, करहल विधानसभा सीट भी छोड़ी। शरद पवार की महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी, बोले दूध उत्पादकों को सब्सिडी नहीं मिली तो सड़क पर उतरेंगे। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष बोले हमारे विधायक दल के नेता ने इस्तीफा दिया, नेतृत्व पर जिम्मेदारी छोड़ी। गुजरात के शिक्षा मंत्री ऋषिकेश पटेल का बयान, इस साल से नमो लक्ष्मी योजना और नमो सरस्वती योजना लागू की जाएगी। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बोले बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार, जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं उनके साथ बात नहीं हो सकती। आतिशी के आरोपों पर राज्य निवास का पलटवार, कहा एलजी साहब ने नहीं दी आपको गाली, आपके सफेद झूठ का पर्दाफाश हुआ। एलजी ऑफिस बोला आदतन आप लोगों को कर रही है भ्रमित, आशा है आप दिल्ली में पानी की चोरी और बर्बादी रोक कर लोगों को पानी देगी। महाराष्ट्र के नासिक में जल संकट का खतरा, डैम का पानी निचले स्तर पर पहुंचा, 7 डैम पूरी तरीके से सूखे। दिल्ली में पानी की सप्लाई के मुद्दे पर बोले सीएम सुक्खू, हमने पानी छोड़ा, आगे हरियाणा सरकार को पानी छोड़ना। जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, कहा दिल्ली में टैंकर माफिया पर एक्शन क्यों नहीं। दिल्ली सरकार की अतिरिक्त पानी की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई, नीट में ग्रेस मार्क्स देने के खिलाफ 2 याचिकाओं पर आज सुनवाई, याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी की मांग। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, छात्रों ने फिर से परीक्षा कराने की मांग की। आज से इटली में शुरू हो रहा है G7 नेताओं का शिखर सम्मेलन, यूक्रेन की मदद करने के तरीकों पर होगी चर्चा। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापानी के मिटली पहुंचे, हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव पर कर सकते हैं चर्चा। आज इटली के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी, G7 की बैठक में होंगे शामिल। तीसरी बार पीएम का पद संभालने के बाद मोदी का यह पहला विदेशी दौरा, जॉर्जिया मेलोनी के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आउटरीच देश के तौर पर किया गया है आमंत्रित, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी, यूक्रेन युद्ध के हालात पर चर्चा होगी। पीएम के दौरे से पहले इटली में महात्मा गांधी की तोड़ी गई मूर्ति, खालिस्तान समर्थकों पर मूर्ति तोड़ने की आशंका। अमेरिका के नजदीक हवाना पहुंचे रूसी युद्धपोत 21 की दी गई सलामी, मिसाइल हथियारों की तैनाती का अभ्यास कर हवाना पहुंचा उत्तरी बेड़ा। बेलारूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख बोले संयुक्त अभ्यास के बाद परमाणु हथियारों का उपयोग करने के लिए सेना तैयार। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच तेज हो गई लड़ाई, इसराइल के हवाई हमलों के बाद धुआं धुआं हुआ कफर चौबा का इलाका। पाकिस्तानी शहर सरगोधा के ATC जज मोहम्मद अब्बास ने लिखा विस्फोटक पत्र, ISI के गुर्गों पर धमकी का आरोप लगाया। लाहौर हाईकोर्ट का ISI के सेक्टर कमांडर को नोटिस, अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया। पाकिस्तान स्टील मिल्स ने 562 दिहाड़ी मजदूरों को नौकरी से निकाला, अनुबंध खत्म होने का हवाला दिया। अर्जेंटीना में राज्य सुधार और कर विधेयकों का विरोध, सीनेट के बाहर प्रदर्शनकारियों से पुलिस की झड़प हुई। इराक के एरबिल में एक तेल रिफाइनरी में लग गई भीषण आग, रिफाइनरी में रखे कच्चे तेल के कई टैंक तबाह हो गए। उत्तरी कैलिफोर्निया के बीच पर फंसे काइट सर्फर को बचाया गया, पत्थरों से मदद का संकेत देने से जान बची। दक्षिणी फ्लोरिडा में कई दिनों की बारिश के बाद बाधित हो गई सड़कें, मार्ग बदलकर जाने को मजबूर हो रहे हैं वाहन चालक। अमेरिका में बेट्सफील्ड के एक घर में घुस गया भालू, आंगन में लगे झूले पर आराम करने लगा भालू। भारतीयों का पार्थिव शरीर लाने के लिए आज विदेश राज्य मंत्री कुवैत रवाना, एक इमारत में कल आग लगने से 41 भारतीयों की मौत। कुवैत हादसे पर बोले विदेश राज्य मंत्री, मृतकों की पहचान की जा रही, हादसे में घायल हुए लोगों से मिलेंगे। कुवैत अग्निकांड पर प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा। पीएम मोदी ने मृतकों के परिवार को आर्थिक मदद की घोषणा की, 2 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुवैत विदेश मंत्री से की बात, जाना ने घटना की जांच करने और जिम्मेदारी तय करने का आश्वासन दिया है। कुवैत में भारतीय दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, 90 भारतीयों को बचाए जाने की बात कही। कुवैत हादसे में घायल युवक के पिता बोले जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से कूद गया नजीर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हादसे पर शोक जताया। कुवैत अग्निकांड पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने हादसे पर शोक जताया, कहा सभी विपक्षी दल सहयोग करेंगे। गाजीपुर के भेटा हाजीपुर गांव में 2 मंजिला मकान में लगी भीषण आग, 5 लोग जिंदा जले, 2 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। भिंड के भूख में महामारी फैलने से 3 लोगों की मौत हुई, कस्बे के 3 वार्ड में 50 से ज्यादा लोग बीमार। सीहोर के शाहगंज में बस के पलट जाने से 4 लोगों की मौत हुई, भिंड में कार ने भीड़ को रौंद दिया, एक ही परिवार के 8 लोग घायल, 4 बच्चों को ग्वालियर रेफर किया गया, लोगों ने जमकर बवाल काटा। कानपुर में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से घायल हुआ अपराधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुणे कार हादसे में 2 IT इंजीनियर्स की मौत से संबंधित मामले में नाबालिग को नहीं मिली राहत, 25 जून तक रिमांड पड़ी। राष्ट्रपति ने लाल किला हमले के दोषी
लश्कर ए तैयबा के मोहम्मद आरिफ की दया याचिका खारिज की। हमले में मारे गए थे 3 जवान। बरेली में शोहर ने पाकिस्तानी बीवी को 3 तलाक दिया। महिला ने पति और ससुराल वालों से जान का खतरा बताया। यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान समेत 3 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ। युवती को नौकरी का झांसा देकर घटना को अंजाम दिया। पश्चिम बंगाल सीआईडी का दावा, बांग्लादेशी सांसद को तकिए से गला घोटकर साजिशकर्ताओं ने मार डाला है। रामनगरी की अभेद सुरक्षा के लिए अयोध्या में एनएसजी हब बनेगा। पठानकोट और केरल में भी स्थापित होगी एनएसजी इकाइयां। कानपुर में धागा फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक। आमिर खान के बेटे की फिल्म महाराज पर प्रतिबंध की मांग। हिंदू संगठन ने कहा फिल्म में साधु संत और वल्लभ संप्रदाय को बदनाम किया गया है। अमोल काले के अंतिम संस्कार में शामिल हुए सलमान खान। मुंबई क्रिकेट जगत में मातम पसरा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय आम महोत्सव। 150 से ज्यादा आम की किस्मों की प्रदर्शनी लगी है। टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने यूएसए को 7 विकेट से हराकर सुपर 8 में जगह बनाई।